कराची ले चलेंगे। चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी मीडिया से गुफ्तगु कर रहे हैं कि आप इतनी बड़ी नुमाइंदगी भी मिले बलूचिस्तान से, लेकिन बलूचिस्तान के मसाइल जूं के तू बल्कि मजीद खराब होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात को नजर में रखें जी, जो चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम लेजिस्लेटर हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसके पास कोई नहीं होती है। तो लेजिस्लेशन या पाकिस्तान बलोचिस्तान की बिलखसूस बात कर रहे हैं, अभी तो मैं चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान हूँ, मुझे तो सारी मुल्क की बात करनी है, लेकिन बलोचिस्तान के आवाज़ जो अकूब की आवाज़ है वो हमारे जो सेनेटर्स हैं, स्पेशली बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो बलोचिस्तान से बाकी हमारे सेनेटर हजरात हैं, वो बखूबी अंदाज में उनको उठा रहे हैं, और जहाँ जहाँ मुझे असर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है मैं ज़रूर अपना किरदार अदा करता हूँ। तो जो एहसास महरूमी है वो इसी तरह दूर होती है जब लोगों को पता चले कि उनका अपना एक बेटा है, अपनाइयत का एहसास दिलाएं। आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब आए हैं, तो ये अब 60 दिन में या 90 दिन में बलोचिस्तान के सारे मसले हल नहीं हो सकते, लेकिन बलोचिस्तान के लोगों को एक होप नज़र आई कि उनका भी एक नुमाइंदा बैठा हुआ है वहाँ पे, उनकी बात पहुँच सकती है उन तक। तो मेरे ख्याल में इससे एहसास महरूमी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। रही बलोचिस्तान की तरक्की, बलोचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है और आपका तकरीबन 48% है लैंड के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, तो उसकी तरक्की मेरे ख्याल में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, हर वक्त बेहतरी की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको कहा, इलाके बहुत दूर दराज हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान बहुत सारा, मैं बताऊं आपको वफाक से, इस वक्त बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे सूबे बलोचिस्तान के लिए चल रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है चाघी, वो तकरीबन 46,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो 46,000 स्क्वायर किलोमीटर को अगर मैं लोगों को कनेक्ट करने पे लग जाऊं तो मुझे ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्लो स्लो एक प्रोसेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक चल रहे हैं। हमें बेहतरी का हमेशा सोचना चाहिए और हम काफ़ी दुनिया के मुल्कों से अभी भी बहुत बेहतर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जो शुक्र कौमें अदा करती हैं अल्लाह ताला उनकी मदद भी करता है और आगे रास्ते भी बनाता है। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि अब आईनी तौर पे सदर साहब का भी ओहदा जल्दी खत्म होने वाला है, उसके बाद अब इलेक्शन दायरे चारों असेंबली आएंगी तो सेनेट के इलेक्शन भी आने वाले, तो ये एक आईनी बहरान सा भी नजर आ रहा है। दूसरी बात सर, जो राजा रियाज जाते आते कह गए कि ये फैसला इलेक्शन का बड़े कर गए, तो बड़े की तरफ आपकी तरफ इशारा था या किसी और की तरफ इशारा था? लेकिन जी ये उनका, मुझे नहीं पता राजा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन आई एम श्योर उन्होंने ये कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त इकट्ठे बैठी थी, उन्होंने फैसला किया होगा, सारा एक कोलिजन गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब सेंसिस को एक्सेप्ट किया तो उनको पता था कि जी डीलिमिटेशन वगैरह होंगी। तो इलेक्शन, ये आपको मैं बताऊँ, इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मुझे आप यकीन रखें कि इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे, वक्त मतलब ये डीलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। और जो रही सदर के इंतखाब की आपने बात की है, उन्हें 9 सितंबर को कंप्लीट होगा, लेकिन आईन में प्रोविजन भी दी हुई है कि सदर साहब कंटिन्यू करेंगे जब तक नए सदर साहब ऑफिस में नहीं आएंगे, और वो सूरत में आएंगे जब जाहिर है उनका कॉलेज ऑफ इलेक्टोरल कम्प्लीट होगा, चारों असम्बलियाँ होंगी, नेशनल असम्बली होगा, तो फिर ही उनका इंतखाब मुख्य रूप से। चेयरमैन सैनेट साहब, ये बताइएगा कि अभी जो है वो मुशावरत हो रही थी निगरान वजीर आजम के लिए, लेकिन उसमें जो है वो काकड़ साहब का नाम शामिल नहीं था, आपके नाम पर जो है वो मुशावरत जरूर हो रही थी, लेकिन ये बताइएगा कि बाप पार्टी के पास ऐसा फार्मूला क्या है, जब भी बड़े अहदे की बात आती है तो बाप पार्टी पे सब ऐसी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं? सुन ले सवाल, यानी उस पर आप सभी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी को तहफुजात थे, उसके बावजूद भी उन्होंने, यानी आज तक बिलावल साहब ने मुबारकबाद भी नहीं दी निगरान वजीर आजम साहब को, और उन्होंने दिल पे पत्थर रखकर जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है आपके पास कि जो भी बड़ी पोस्ट होती है बाप पार्टी आ जाती है और एक्सेप्ट कर लेते हैं? गुजारिश है कि जी बलोचिस्तान अवामी जो पार्टी है, बलोचिस्तान की इस वक्त जो लास्ट असम्बली थी, बलोचिस्तान असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी वो थी, चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी का था, सेनेट में आप देखें बलोचिस्तान की सबसे बड़ी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स हैं, 12 सेनेटर हैं। तो मेरे ख्याल में मैं इसको इस तरह देखता हूं, जो आप हमारी एहसास महरूमी की भी बात कर रहे थे, तो इसको सामने रख के तमाम पार्टियाँ
या उनमें से ज़्यादातर पार्टियाँ ये सोचती हैं कि चलें जी इनको चांस दें ताकि बलूचिस्तान में सही बेहतर मानों में अपना किरदार अदा करें और बलूचिस्तान के लोगों के लिए कोई रिलीफ मिल सके। तो इसको इस तरह पॉजिटिव लें, आपकी बड़ी मेहरबानी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे तो मैं इसको पॉजिटिव इसलिए लेना चाहता हूं और आप इसी तरह कहें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी आगे भी इंशाल्लाह तरक्की करती रहेगी। कहा ये जा रहा है कि ये जो निगरान गवर्नमेंट है ये तवील होगी और इंतखाबात वक्त पे नहीं होंगे, आपका क्या? मैं नहीं समझता जी, क्या नजर आ रहा है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। आपका जो पहले मैंने कहा सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, आप लोगों का इलेक्टेड इस वक्त एक ही हाउस है, इंशाल्लाह इन चीज़ों को मॉनिटर करेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराएगा, वक्त पे कराएगा।